हमारे योगी बाबा भी बाबा साहब के सामने झुक रहे हैं। तो अम्बेडकरवादी तो बहुत मतलब आए हैं, लेकिन इसमें कुछ एंजॉय करने में लिए आए हैं। उनका एक विचार था, शिक्षा शेरनी का बहादुर है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अगर शिक्षित नहीं होते तो आप कैमरा लेकर के यहाँ दिखाई पड़ते? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। अच्छा, आप बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं जो आप? ठीक है सर, को बाबा साहब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट सर आप एक बार जानने की कोशिश करिएगा कि मात दिखावा है ये जो सरकार जो करती है, दिखावा वोट अपना लेने के लिए। यदि बाबा साहब ना होते तब भी मेरी माँ मुझको जन्म देती, लेकिन मेरी स्थिति जो है एक लेबर की होती। आज मैं सूट वूट में हूँ, नौकरी करता हूँ, क्लास वन अफसर हूँ, और मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ऑफिस है मेरा। लेकिन यदि बाबा साहब ना होते तो मैं आज यहाँ पे ना होता। बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की प्रेरणा, बाबा साहब के सूत्र जिस दिन इस धरती से पूरी तरह समाप्त कर देंगे लोग, उस दिन जो है यहाँ मानवता नाम की चीज खत्म हो जाएगी। हमारे समाज के एक अटूट अंग को अछूता मानते थे, लेकिन आज वही अछूता अंग जिससे लोग छू भी जाते थे, उनसे छुए हुए बर्तन को भी अपने सामने से हटा देते थे, मगर आज वो सभी लोगों के बीच खड़े हैं, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। जो उनकी विशेषताएं हैं, उनका जो बलिदान है, उनका जो त्याग है, मैं उसको मैंने अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। सब हिंदू वादी, कहीं कोई वादी, कोई शिवसेना आया, कहीं कुछ आया, आज तक बहन जी तक बात नहीं पहुंच सकी। आज़ादी हम लोग को मिली है घूमने की फिरने की, आज यहाँ आने की, ये हम लोग को बहुत बाबा साहब की बदौलत मिली है। पूछ लीजिए अम्बेडकर के बारे में, पूछ लीजिए कि अम्बेडकर ने लोग क्या किया है क्या नहीं, सिर्फ इतना बता देंगे कि संविधान लिखा है। उनका जो भी विचार है उससे मेरा रोम रोम आज जो है आच्छादित है। मनवादी लोग हैं, जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, उनके यहाँ मैं मजूरी करता होता, उनकी मेड़ बांधता होता, उनकी बकरी चराता होता, लेकिन मैं आज यहाँ पे ना होता। पहले लोग गंगा में पता नहीं कितनी बार नहाए, फिर भी इनकी छूट नहीं छूटा, रामकृष्ण की पूजा भी किया, फिर भी इनकी जो है किस्मत टूटी, जुड़े नहीं। उनके मसीहा थे बाबा साहब, जिन्होंने ये कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हो गया है, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बहन जी आपको मालूम होगी, आपका बचपन का भाई यहाँ आया हुआ है और गुरु के आपकी समाधि वहाँ लगी है, मंदिर में दबी हुई है बहुत नीचे, वो खुदवाने काम आपका है। कि मेरे सुबह से शाम तक मूर्तियाँ सारी बिक गई, किताब खरीदने वाला एक भी नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। हम मौजूद हैं लखनऊ के बेहद खूबसूरत अम्बेडकर पार्क में, जहां पर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। यहां पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, हम एक बार चाहेंगे कि कैमरा पर्सन एक बार यहां पर लोगों की भीड़ दिखाएं। यहाँ पर आमतौर पर इतनी भीड़ नहीं होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मगर लोगों पर आज गर्मी का ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर टिकट्स फ्री कर दी गई हैं लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आज भी बाबा साहब के आदर्श, उनकी नीतियाँ उन पर क्या असर डाल रही हैं। सर आपका नाम? दुर्गा प्रसाद। सर देखिए, आमतौर पर किताबों में और इतिहास में हमने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ सुना है, लोग उनके बहुत सारे उदाहरण देते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी उनकी नीतियाँ कुछ समाज पर असर डाल रही हैं? आज ही नहीं, कालांतर में भी बाबा साहब का प्रभाव, उनकी नीतियाँ, और वो कालांतर में भी प्रभाव डालती रहेंगी। लोग चाहे जितना नष्ट करने का प्रयास करें, जो उनका संविधान है, उनके किए हुए कार्य हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे वो संघर्ष क्षेत्र के हों, वो कार्य अतीत काल तक इस देश में प्रभावी रहेंगे और उनका प्रभाव इस भूभाग पर रहेगा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। अगर शिक्षित नहीं होते तो आप कैमरा लेकर के यहाँ दिखाई पड़ते? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। हम शिक्षित नहीं होते तो मैं भी सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ, मैं भी शायद सब इंस्पेक्टर नहीं बनता। तो आप बताइए, शिक्षा में कोई कमी है कि शिक्षित होने में कोई बुराई है? ये बाबा साहब का जो है पहला मूल मंत्र था। बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की प्रेरणा, बाबा साहब के सूत्र जिस दिन इस धरती से पूरी तरह समाप्त कर देंगे लोग, उस दिन जो है यहाँ मानवता नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी।
अंदर तो बहुत एक्साइटेड है, इसलिए मैं धूप कुछ भी बारिश कुछ भी हो मैं दौड़ी आती हूँ, हमेशा हर साल आती हूँ और मुझे बहुत आज के यहाँ बहुत सुकून और शांति मिलती है। मैं बाबा साहब की बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आज उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आए। आज के दिन में कुछ अंतर आप बता सकती हैं जो सीधे सीधे लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ आम दिनों में और आज के दिन में ये अंतर है? बाबा साहब ने जो है बहुजन समाज के लिए तो काम किया ही है और अन्य समाज के लिए भी काम किया है और ये सभी लोग सर्व समाज के लिए काम किया है, ये सभी लोग जानते हैं और खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। हम बहनों की बहुत ही मतलब दयनीय इच्छा है, जो हम लोग की आज़ादी हम लोग को मिली है घूमने के फिरने के आज यहाँ आने की, ये हम लोग को बहुत बाबा साहब की बदौलत मिली है। उनका एक विचार था शिक्षा शेरनी का बहादुर है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जितने भी मेरे साथीगण हैं सब यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग मेंस दे रहे हैं, हम सभी लोग बाबा साहब के बताए गए विचारों पे भाईचारा बंधुत्व स्वतंत्रता और अपने व्यक्तिगत आज़ादी और हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। इतना धूमधाम, इतनी कड़ी धूप हो रही है, 35 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी हम उनके जन्मोत्सव को आज मना रहे हैं। उन्होंने जो हमें अधिकार दिए हैं और उन्हीं अधिकारों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी के बाहर से सीधे अमृतसर से आए हुए हैं। सर आप ये बताइए यहाँ पर लोगों की भीड़ देख करके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है मगर फिर भी आप मतलब क्या लग रहा है कि लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों, क्योंकि इतनी गर्मी में इंसान घर से भी बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। बिल्कुल इच्छाओं के ना सब अपनी देखने के लिए कि कैसे है, कि देखते हैं माहौल कैसे है इधर का। बाकी अमृतसर में देखने गोल्डन टेम्पल हो गया, स्वर्ण मंदिर हो गया, उधर भी बढ़िया जगह, दूर दूर से आते हैं, पर इधर भी थोड़ा अपना अलग माहौल है इधर की साइड का भी। बाकी देखते हैं, घूम के देखते हैं, पता चलते हैं कैसा इधर का। अच्छा आप बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं जो आप? ठीक है सर को बाबा साहब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट सर आप एक बार जानने की कोशिश करिएगा कि उनके जन्मदिन पर इतनी भीड़, जो सब कुछ भूल करके यहाँ पर हमने अभी देखा एक विकलांग आदमी भी लाठी के सहारे चलते हुए आया और वो घूम करके बाहर जा रहा है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप एक बार जानने की कोशिश करिएगा कि ऐसा उनका क्या प्रभाव है कि आज भी यूथ से लेकर के विकलांग और बूढ़े बुजुर्ग तक यहाँ पर आ रहे हैं। जय भीम। मैम विकास चौधरी। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से हूँ। अच्छा आज आप पहले तो इनका झंडा दिखा दीजिए। सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर के। सर ये बताइए कि आप बाबा साहब के आदर्शों को कितना फॉलो करते हैं? मैम बहुत फॉलो करता हूँ और उन्हीं के विचारों पे, अंबेडकर के विचारों पे ये देश को चलना चाहिए और उन्हीं के विचारों पे मैं भी चलता हूँ। माँ तो दिखावा है, ये जो सरकार जो करती है दिखावा वोट अपना लेने के लिए, बाकी जितना यहाँ जो आ रहे हैं शायद कुछ ही लोग होंगे, बाकी तो शायद मतलब वो जो है एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो अंबेडकरवादी तो बहुत मतलब आए हैं लेकिन इसमें कुछ एंजॉय करने लिए आए हैं। पूछ लीजिए अंबेडकर बारे में, पूछ लीजिए कि अंबेडकर मतलब क्या किया है क्या नहीं, सिर्फ इतना बता देंगे कि संविधान लिखा है, बाकी और तो कुछ नहीं बताएंगे कि जो है संविधान तो मतलब शायद हर कोई किसी को ऐसे मालूम होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा लेकिन बाकी और नहीं कुछ पता होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। उनका जो भी विचार है उससे मेरा रोम रोम आज जो है आच्छादित है और मैं जो हूँ वो बाबा साहब की वजह से हूँ, मेरी नौकरी जो है बाबा साहब की वजह से मिली है और यदि बाबा साहब ना होते तब भी मेरी माँ मुझको जन्म देती, लेकिन मेरी स्थिति जो है एक लेबर की होती, आज मैं सूट वूट में हूँ, नौकरी करता हूँ, क्लास वन अफसर हूँ और मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ऑफिस है मेरा, लेकिन यदि बाबा साहब ना होते तो मैं आज यहाँ पे ना होता, आज को आपको इंटरव्यू ना देता होता, कहीं जो है किसी जो है जो मनवादी लोग हैं जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनके यहाँ मैं मजूरी करता होता, उनकी मेड़ बांधता होता, उनकी बकरी चराता होता, लेकिन मैं आज यहाँ पे ना होता। बहुत अच्छा है क्योंकि एक महान पुरुष के जन्म अवसर पर इतने लोग आए जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, हमारे देश में सबसे बड़े महान पुरुष थे, इतने लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिनका इतिहास जो है पूरे भारत में है, पहले लोग गंगा में पता नहीं कितनी बार नहाए फिर भी इनकी छूत नहीं छूटा, रामकृष्ण की पूजा भी किया फिर भी इनकी जो है किस्मत फूटी जुड़े नहीं, और कितने तीर्थों को छान डाला और जो है इनको बज्जात बताया जाता था, आज जो है
जब से अब ये जो है बाबा साहब, जब इनको अपमान किया जाता था, लेकिन एक ऐसे महान पुरुष के शरण में गए जो जिनके मसीहा थे बाबा साहब, जिन्होंने ये कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हो गया है, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ऐसे महान पुरुष के जन्मदिन पर वो इतने लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके परिवार की अच्छी प्रगति हो, अच्छी उन्नति हो, अच्छा विकास हो। सर एक बात बताइए, देखिए किताबों में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा किया, बाबा साहब ने वैसा किया, लेकिन आप बताइए कि पर्सनली आपको क्या लगता है कि बाबा साहब का ऐसा कौन सा योगदान था जो आज तक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बाबा साहब के अगर योगदान आपको गिनाएं तो मुझे लग रहा है उंगलियों पर गिनाने से पूरे नहीं होंगे, चाहे वो महिलाओं के लिए हों, चाहे वंचित समाज के लिए हों, किसी भी समाज के लिए हों। जो भी उन्होंने किया, देखिए जो ये 8 घंटे की नौकरी जो है, और तमाम तरह के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया जो मतलब उंगलियों पे नहीं गिनाए जा सकते, और बाकी तो लगभग दुनिया जानती बाबा जी ने क्या किया। एक समय था जब लोग हमारे समाज के एक अटूट अंग को अछूता मानते थे, लेकिन आज वही अछूता अंग जिससे लोग छू भी जाते थे, उनसे छुए हुए बर्तन को भी अपने सामने से हटा देते थे, मगर आज वो सभी लोगों के बीच खड़े हैं, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों के लिए आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है उनके लिए ये दिन? देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे थोड़ा 2 मिनट का मौका दिया। मैं बाबा साहब की जो उनकी विशेषताएँ हैं, उनका जो बलिदान है, उनका जो त्याग है, मैं उसको मैंने अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जो हम लोग यहाँ आप खड़े हैं, जो हमारा वजूद है, सिर्फ बाबा साहब उनका संविधान मेरे लिए है, जिनकी वजह से इनका संविधान जो ऐसा अनुपम निर्माता जो है दुनिया में नहीं, विश्व में कोई नहीं है, और विश्व के लोग इस संविधान की नकल करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस देश की तरह वह संविधान बने। बाबा जी यहाँ पर गाजियाबाद से आए हुए हैं, बताइए बाबा जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आज का दिन लोगों के लिए इतना? आज का दिन लोगों के लिए जो कुछ है वो तो सब जानते हैं, हमारे लिए तो बहुत महान है। जिंदा भी मैं मरा था, मरा हुआ भी जिंदा हूँ। ये कुछ नकली धारणा करके हमको डुबा रहे हैं। 2019 से कांवड़ जल रुका हुआ है, सब हिंदूवादी, कहीं कोई वादी, कोई शिवसेना आया, कहीं कुछ आया, आज तक बहन जी तक बात नहीं पहुंच सकी। सारी कोशिश मैंने कर लिया तो बहन जी के घर गया, वहां भी नहीं पहुंच पाया, और अब सही घर पे पहुंच गया तो आपसे मुलाकात हो ही गई, अब तो पहुंच ही जाऊँगी। असो दिशाएँ बंद है, आप जाओगे तो कहां जाओगे, हम करें तो क्या करें, बताओ इसको बिचारो, इस पते पर आप पहुँचो बेटा, हाजीपुर गाजियाबाद। बाबा कि हमारा समाज पूजने में लगा हुआ बाबा साहब को, ठीक है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था दुकानदार सुबह से अपनी दुकान खोल के बैठा था, और उसका ये कहना था कि मेरे सुबह से शाम तक मूर्तियां सारी बिक गईं, किताब खरीदने वाला एक भी नहीं आया। इस बात में वो बात है, हमारे समाज को मूर्तियों से दूर और किताबों के पास जाना है, बाबा साहब का यही मिशन है। हम जितना शिक्षित होंगे हमारा समाज उतना शिक्षित होगा। हमारे योगी बाबा भी बाबा साहब के सामने झुक रहे हैं, मेरा यही कहना है। तो उनके सामने हम लोगों को पूजा नहीं करना है, क्योंकि वो लोग यही तो चाहते हैं, आने वाले कुछ सदियों में वो बदल दें कि ये फलाने के अवतार थे, वो फलाने ढमकाने के अवतार थे, ये नहीं करना है। हमें केवल पढ़ना है, बाबा साहब को समझना है, और ये वो चीज़ याद रखनी है कि जो शॉपकीपर ने कहा कि पूरे सुबह से मैं बैठा हूं और मूर्तियां सारी बिक गई, किताबें खरीदने वाला एक भी नहीं आया। तो हम लोगों को किताबें खरीदना है, हम लोगों को पढ़ना है। आप अभी भी देख रहे हैं कि यहां पर लोगों में कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, लोग लगातार भीम जी के जयकारे लगा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर विशेष मांगने आए हैं। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं किरण, न्यूज टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।